स्वागत और अभिनंदन। जैसा कि वीडियो का शीर्षक है कि आखिर अमेरिकी सरकार ने ओशो को क्यों जेल में डाला, आखिर ओशो के ऐसे कौन से पाप थे, गलतियां थीं, त्रुटियां थीं जिनके कारण ओशो को जेल की यात्रा करनी पड़ी। बड़ा मज़ेदार उपयोगी जानकारी आपको इस वीडियो में सरल शब्दों के माध्यम से मिलेगी। जो लोग ओशो प्रेमी हैं या जो ओशो के खिलाफ हैं, वो लोग इस वीडियो को विशेष रूप से देखें और शेयर करें और मंथन करें कि कहाँ तक बात सही है। जब 1981 से लेकर 85 के बीच का जो सफ़र था आचार्य रजनीश के जीवन का, वो अमेरिका के ओरेगन स्टेट में ही व्यतीत हुआ। भारत में उनका कुछ स्वास्थ्य गड़बड़ चल रहा था तो उनके कुछ भक्तों ने उन्हें अमेरिका आमंत्रित किया, तो मानंद शिला के साथ में कुछ गिने चुने अपने सन्यासियों के साथ में वो ओरेगन अमेरिका की यात्रा पर निकल गए और वहाँ पर लगभग 4 वर्ष के करीब वो रहे। और इन 4 वर्षों में आपको श्रोताओं आश्चर्य होगा कि आचार्य रजनीश का जो रजनीशपुरम था ओरेगन स्टेट के अंतर्गत, जो कि एक बंजर भूमि में बना हुआ था, सस्ता था, लीज पे जगह लिया हुआ था, उनके भक्तों के द्वारा उपलब्ध करवाए, 64,000 वर्ग किलोमीटर में फैला हुआ था। इतनी एकड़ जगह थी और 64,000 वर्ग एकड़ जगह में उनका आश्रम था, फला था, फूला था, बड़ा मेहनत किया था। और वहाँ के लोग ओशो के इतने अनुयायी हो गए, प्रेमी हो गए, फॉलोअर्स हो गए कि जो वहाँ के ईसाई पोप थे, पादरी थे, उनको बड़ा अपना धर्म संकट में मालूम पड़ने लगा कि कहीं ईसाइयत को खत्म ना कर दें। आचार्य रजनीश के प्रति जो इतना आकर्षण है यहाँ के लड़के और लड़कियाँ, स्त्री और पुरुष दोनों ही मिल करके रहते थे उनके आश्रम में, अब उन पर अभियोग क्या लगाया जाए, क्या दोष लगाया जाए जिसके कारण ओशो को जेल में डाला जाए और उनके संगठन को, उनके किंगडम को खत्म किया जाए, नेस्तनाबूद किया जाए। हालांकि कुछ लोग कहते हैं कि उनके आश्रम में उनके एक मनोवैज्ञानिक ब्रिटेन की गेट का शिष्या थी, वो भी कहते थे कि ओरेगन रजनीशपुरम में रहना एक स्वप्न की तरह था, वहाँ कोई भी वर्जना, कोई भी निषेध नहीं था कि ये पहनना है, कि ये खाना है, ऐसे रहना है। कभी कभी तो वो कहते थे सब लोग नंगे ही बैठ कर के ध्यान करते थे, झूमते थे, खेलते थे, कूदते थे, आपस में चर्चा थे, कपड़े पहनने पर कोई पाबंदी नहीं थी, पहनो तो पहनो, ना तो नंगे भी रहो, एकदम प्राकृतिक अवस्था में। और इस तरह से बड़ा समय मज़ेदार व्यतीत हो रहा था। चूँकि अमेरिकी सरकार को सूचना दिया पोप, जो धर्म गुरु थे पादरियों के, फादर्स लोगों ने, ईसाई संगठन में, कि यदि ज़्यादा दिन अमेरिका में ओशो रहे तो निश्चित रूप से यहाँ की जो सरकार है वो बदलना होगा, बदल जाएगी, क्योंकि जो जनता है
वो ओशो को फॉलो कर रहे, जो युवा पीढ़ी है वो ओशो को फॉलो कर रहे, तो आखिर क्या लगाया जाए? क्योंकि सेक्स फ्री था आश्रम में, कोई किसी के साथ में भी रह सकता था, सेक्स कर सकता था, कोई पाबंदी नहीं, कोई वर्जना नहीं, कोई निषेध नहीं। हालांकि ये कोई दोष नहीं था, क्योंकि अमेरिका में तो ये पहले से ही स्वाभाविक है, नियम बना रखा है कि कोई भी स्त्री पुरुष किसी के साथ में भी सहवास कर सकता है, मैथुन संभोग कर सकता है। तो अगर आश्रम में हो रहा था तो इससे सरकार को क्या दिक्कत हो सकती थी? आश्रम में संभोग होता था, सेक्स होता था, लेकिन उस सेक्स के माध्यम से ऊर्जा ट्रांसफॉर्म कराई जाती थी। ओशो अपने देशनों के माध्यम से, प्रवचन के माध्यम से अपने अनुयायियों में एक जागरण पैदा कर रहे थे, एक जन जागरण पैदा हो रहा था, एक आंदोलन खड़ा हो रहा था। जबकि सरकारें कभी यह नहीं चाहती कि उनके खिलाफ कहीं आंदोलन खड़ा हो, कोई उनका विरोधी रहे और सरकार की नीतियों के खिलाफ चले। सरकार कभी नहीं चाहते हैं, सम्रत को नहीं दोष को साई। तो सरकार को ये परेशानी नहीं थी कि वो संभोग क्यों उनके यहाँ पे स्वतंत्र है, उसको परेशानी थी ये जनता को जागरूक क्यों कर रहे हैं, लोगों की राजनीति के प्रति अरुचि होने लगी, नेताओं की पोल पट्टी वो खोलते थे, सरकारें इसलिए हिल रही थी। जैसे कोई तपस्या, हिंदू धर्म पुराणों में कहा है, जैसे कोई तपस्वी तपस्या करता था तो राजा इंद्र का सिंहासन हिल जाता था। राजा इंद्र मतलब एक राजनीतिक व्यक्ति, एक सत्ताधारी, कि कहीं हमारी सत्ता को प्राप्त ना कर ले तपोवन से। ठीक इसी प्रकार से अमेरिका की सरकार डर गई उनके प्रवचनों को सुन करके, उनके जीवन शैली को देख करके, कि जनता इनको ज़्यादा पसंद कर रही है, तो निश्चित रूप से अगली बार हो सकता है कि हमें कोई ना चुने और ओशो ही अपना कोई कैंडिडेट खड़ा कर दे या ओशो को ही प्रेसिडेंट चुन ले। तो इन सब चीज़ों से घबरा करके उन पर अभियोग चलाया गया। ओशो का यही महापाप था, यही पाप था कि वो सच बोलते थे, वो जीवन के साक्षात्कार की बात करते थे, आनंद की बात करते थे, वो राजनीति के खिलाफ थे, राजनीतिक लोगों की वो पोल पट्टी खोल रहे थे। इससे राजनीतिक तंत्र के लिए खतरा पैदा हो गया अमेरिकी सरकार के लिए। उन पर अभियोग चलाया गया कि आप अपना, आपने अमेरिका में गलत दस्तावेज के द्वारा प्रवेश किया है और बिना अनुमति के आप यहाँ रह रहे हैं। तो इस तरीके के बनावटी कुछ केसेस चलाए गए और जिनके तहत उनको 14 दिन की जेल में डाला गया। देखिए, ये तो एक सरकार को किसी को भी किसी ना किसी बहाने से कोई ना कोई कमी दिखा करके जेल में डलवा देना कोई बड़ी बात नहीं है। वैसे आप देखते हैं कि कोई कितना भी बड़ा भ्रष्टाचारी हो, भारत में भी ऐसे बहुत सारे भ्रष्टाचारी हैं जो सरकार से, वर्तमान सरकार से कंधा मिला के चल रहे हैं, तो वो लोग जेल नहीं जा रहे हैं, विपक्ष के लोग। ठीक इसी प्रकार से अमेरिकी तंत्र के अंदर भी बहुत सारे भ्रष्टाचार के बावजूद लोग जेल में नहीं जाते हैं, यदि मौजूदा सत्ता की जो चाटुकारता करते हैं या मेल मिलाप रखते हैं। लेकिन जो सत्ता के खिलाफ बोलेगा, लिखेगा, तो निश्चित रूप से उसे जेल में डाला जाएगा, चाहे मुद्दा सही हो या गलत हो, उसको अभी उस पर अभियोग चलेगा, मुकदमा चलेगा। तो ओशो के यही महापाप थे कि वो खुल के बोलते थे, कभी राजनीतिक लोगों की चापलूसी नहीं करते थे, चाटुकारता नहीं करते थे, किसी से कंधा मिला करके नहीं चलते थे, क्योंकि वो जानते थे कि सुकरात को भी विष का प्याला दिया गया, कृष्ण के भी खिलाफ, कृष्ण का जो युद्ध था, आंदोलन था, वो भी सत्ता के खिलाफ था। राम का जो आंदोलन था वो भी तत्कालीन शक्तिशाली राजा रावण, राजतंत्र के खिलाफ था। मोहम्मद का भी अगर कोई सबसे बड़ी अगर कोई विरोधी था, सत्ता थी, तो मौजूद जो तत्कालीन सत्ताधारी थे उनसे ही उनका विरोध था। तो कहने का अर्थ है, जब कोई ऋषि, कोई मुनि, कोई विश्वव्यापी चिंतन रखने वाला कोई महापुरुष जब इस तरीके का क्रांतिकारी प्रयोग करता है, आंदोलन करता है, तो निश्चित रूप से सरकारें हिली जाती हैं और फिर वो अपने तरीके से उसका दमन चक्र
के द्वारा उसको नष्ट करते हैं और वहीं पर उनके लिए रेडियो धर्मी तरंगों की चटाई पर लेटा करके उनके हड्डियों को कमजोर कर दिया गया। थेलेसियस नाम के एक जहर का इंजेक्शन दिया जिससे कि ओसो धरती पर अगर ज़्यादा दिन जीवित रहे तो निश्चित रूप से विश्व के लिए एक बहुत बड़ा, विश्व के राजनैतिक लोगों के लिए, राजतंत्रों के लिए बहुत बड़ा खतरा पैदा हो सकता है क्योंकि वो सीमाओं के खिलाफ थे। ओम शांति ओम क्रांति। वीडियो को अधिक से अधिक शेयर करें ताकि समाज में जागरूकता पैदा हो।